नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। पूर्वी सिंहभूम जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उन्हें नई शिक्षा नीति से जोड़ने एवं वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग की है। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी सेविका संघ के बैनर तले आई सेविकाओं ने कहा कि हमेशा से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका से सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं में कार्य कराया जाता है, लेकिन बदले में उन्हें मानदेय काफ़ी कम दिया जाता है। सेविकाओं ने कहा कि वे उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने, मानदेय में बढ़ोतरी करने, नई शिक्षा नीति से जोड़ने सहित पेंशन भत्ता लागू करने की मांग की है। सेविकाओं ने कहा कि अगर जल्द ही इनकी मांगों पर अविलंब पहल नहीं की जाती तो संघ जल्द ही बैठक कर आंदोलन की रणनीति तय करेगी। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने आए हैं। हम आंगनबाड़ी बहन जो है उनसे हमसे सभी तरह के काम सरकार लेती है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पोलियो, फलेरिया, मलेरिया, सारी चीज हमसे काम लेती है, लेकिन हमको बदले में कुछ दिया नहीं जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पहला डिमांड, हम लोग 5 सूत्री मांग का डिमांड करने आए हैं। पहले तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और दूसरा है हमारे मानदेय में वृद्धि किया जाए। सेविका का मानदेय 18,000 किया जाए और सहायिका का मानदेय 9,000 किया जाए। नई शिक्षा नीति जो बनी है उससे हमें जोड़ा जाए। चौथा है हमारा पेंशन भत्ता कटे, हमारा पेंशन हमें मिले, हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिले और हमारा सामाजिक सुरक्षा से हमें जोड़ा जाए। किस बैनर के तले आए हैं? हम अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ। अगर मांगे पूरी नहीं तो क्या करिएगा? अभी तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अपना सारे आंगनबाड़ी बहनों के साथ बैठक करके आगे कुछ निर्णय लेंगे कि हम धरना प्रदर्शन। मेमोरेंडम किनको सौंप रहे हैं? अभी आज ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंप रहे हैं। क्या नाम? अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।